दोस्तों स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज पर एक बार फिर से। और हाँ, आज तारीख हो गई है 20 जनवरी 2021 दिन बुधवार। और बात करते हैं आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर, फटाफट से नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार के तहत बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। लड़कियों की शादी की उम्र में बदलाव को लेकर सरकार के बड़े फैसले पर भी एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बताऊंगा। अगर आप फेसबुक और व्हाट्सएप चलाते हैं तो भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। बैंक खाता वालों के लिए भी महत्वपूर्ण खबर है। साथ ही दोस्तों सरकार के द्वारा एक कॉन्टेस्ट भी निकाला है जिसमें आप एक वीडियो बना करके 1,00,000 रुपए सरकार की तरफ से जीत सकते हैं। क्या कुछ उसकी पूरी प्रोसेस है मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और इसके अलावा सरकार किन लोगों को 2,00,000 रुपए भी देने जा रही है, इसको लेकर भी एक अपडेट है। एक एक करके आज की सभी 50 बड़ी ही महत्वपूर्ण काम की खबरों पर नजर डालेंगे इस वीडियो में। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करें पहली खबर में तो देखिए जरा, हादसों पर लगाम लगाने की कोशिश के चलते एक नया नियम बनने जा रहा। जी हाँ, अगर आप ट्रैफिक नियमों को बार बार तोड़ते हैं ना तो फिर आपको मोटर इंश्योरेंस का प्रीमियम ज्यादा देना पड़ेगा। रेगुलेटर ने इसके लिए नए नियमों का एक ड्राफ्ट भी जारी किया। कहने का मतलब ये है कि अगर आप बार बार रेड लाइट क्रॉस करते हो या हेलमेट नहीं लगाते हुए बार बार आपका चालान कटता है तो ऐसी सिचुएशन में आपको जो आपकी गाड़ी, व्हीकल, बाइक, मोटरसाइकिल, कार वगैरह जिस किसी के लिए इंश्योरेंस ले होगा ना, तो उसके लिए प्रीमियम यानी कि इंश्योरेंस की जो किस्त या इंश्योरेंस की जो पेमेंट है वो आपको ज्यादा देनी पड़ेगी अगर आप बार बार ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक करते हो, तोड़ते हो, तो समझ रहे हो ना। इस तरह का नया नियम बनाने का प्रस्ताव इरडा ने दिया है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है बीमा विनियामक प्राधिकरण, उसने सरकार को इस तरह का प्रस्ताव सुझाव दिया है। और अब यह अगर सुझाव मान लिया जाता है तो सरकार की तरफ से 1 फरवरी 2021 तक जरूरी सुझाव मांगे इस ड्राफ्ट के बारे में, तो हो सकता है कि फरवरी महीने से यह नया नियम देखने को आपको मिले। तो कहने का मतलब सिंपल है कि आप ट्रैफिक रूल्स को ना तोड़े तो ज्यादा बेहतर है, अब आपको यह और भी ज्यादा महंगा पड़ेगा, है ना। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए। अब हर साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने यह भी बड़ा फैसला लिया है। हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। करंट अफेयर्स में भी बहुत बार ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं तो ध्यान में रखिएगा, है ना। नेताजी की 125वीं जयंती से ही सरकार ने इसको भव्य तरीके से मनाने का फैसला किया, अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए, ये बैंक आपको क्रेडिट कार्ड पर इंटरेस्ट फ्री कैश दे रहा। जी हाँ, कौन सा, तो IDFC फर्स्ट बैंक जो है वो अपने ग्राहकों के लिए एक खास ऑफर लेकर आया। और इस ऑफर के तहत दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक के ग्राहक जो है ना वो 48 दिनों के लिए इंटरेस्ट फ्री कैश एडवांस की सुविधा का फायदा ले सकते हैं। बैंक इसके लिए एक खास तरह का क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च कर रहा है, ओके। साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, अब संसद की थाली भी महंगी होगी। बजट सेशन से पहले संसद की कैंटीन में सब्सिडी खत्म कर दी गई है, इससे हर साल 17 करोड़ रुपए की बचत भी होगी, यानी कि अब संसद में सस्ता खाना नहीं मिलेगा। सरकार ने इसे मिलने वाली फूड सब्सिडी को खत्म कर दिया, ये लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। साथ ही अगली खबर देखिए, एग्जामिनेशन को लेकर अपडेट है। JEE मेन 2021 के एग्जामिनेशन में आपको कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। जी हाँ, और इससे दोस्तों अब IIT में एडमिशन लेना भी आसान हो जाएगा। एक तो सरकार ने 75% नंबर के नियम को हटा दिया और इसके अलावा सिलेबस में तो कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन JEE मेन में 90 में से 75 प्रश्न हल करने का ऑप्शन मिलेगा आपको। एडवांस के लिए 75% लाना कंपलसरी यानी कि अनिवार्य नहीं होगा। सरकार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की है, बदलाव किए हैं, और ये बदलाव 2021-22 के एग्जाम से ही लागू हो जाएंगे। अब इसके लिए डिटेल जानकारी तो आप ऑफिशियल पोर्टल पर JEE एडवांस के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के चेक कर लीजिएगा। जो ऊपर ऊपरी अपडेट है मैंने आपको बता दिया, एक तो 75% नंबर का जो कंपलसरी रूल था उसको हटा दिया है और बाकी सिलेबस वगैरह में तो कोई बदलाव नहीं है, ठीक है ना। अगली खबर देखिए, व्हाट्सएप अगर आप चलाते हैं तो आपको पता होगा आजकल पिछले कुछ दिनों से व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर काफी कुछ मसला चल रहा है और उस पर केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप से कहा कि नई प्राइवेसी पॉलिसी को वापस लें, किसी भी प्रकार का एक तरफा बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। हालांकि कल तो वो क्या कौन सी हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया था दोस्तों कि व्हाट्सएप ने प्राइवेसी पॉलिसी बदली, अगर आपको नहीं चलाना तो मत चलाओ क्योंकि ये एक प्राइवेट ऐप है। हालांकि केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप से कहा कि नई प्राइवेसी पॉलिसी को वापस ले, तो देखते हैं अब आगे क्या बदलाव आता है। मार्क जकरबर्ग इसमें क्या कुछ चेंजेस लेकर आते हैं, जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, इसके अलावा पंजाब राज्य में 21 जनवरी से कॉलेज और यूनिवर्सिटीज खुलने जा रही है। राज्य सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया, पंजाब में फिर से कॉलेज, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय वगैरह 21 जनवरी से खुल जाएंगे, ठीक है ना। साथ ही अगली खबर देखिए, 21 जनवरी से नोएडा में भी 341 प्लॉट बिकेंगे, इसको लेकर ऑक्शन वगैरह निकाली गई है जो भी UIT की तरफ से। तो कहने का मतलब है कि दिल्ली NCR नोएडा लोकेशन में अगर आप भी प्लॉट वगैरह खरीदने की प्लानिंग बना रहे हैं तो इसको लेकर नीलामी प्रक्रिया 21 जनवरी से ऑनलाइन होगी, ठीक है। साथ ही अगली खबर देखिए, हेल्थ को लेकर एक अच्छा अपडेट है। अब समय से पहले ही हार्ट अटैक को रोका जा सकेगा, एक्सरे रिपोर्ट इसकी मदद करेगी। देखिए, वैज्ञानिकों की रिसर्च में एक नया खुलासा देखने को मिला। अब किसी भी व्यक्ति में हार्ट अटैक की संभावना कितने प्रतिशत है इसकी जानकारी कुछ सालों बाद एक्सरे की मदद से भी मिल सकेगी। इस पर रिसर्च करने वाले ऑस्ट्रेलियाई साइंटिस्ट का कहना है कि हार्ट से जुड़ी महाधमनी में जब कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है तो हार्ट अटैक पड़ने का खतरा 4 गुना बढ़ता है। और शोध के मुताबिक दुनिया भर में होने वाली सबसे ज्यादा मौतें दिल की बीमारी के कारण ही हो रही है, लेकिन अगर पहले
से ही एक्सरा करवा लिया जाए तो इससे हर साल हजारों जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। तो देखते हैं साइंस इस पर आगे और क्या रिसर्च करती है, मैं आपको बता दूंगा अपडेट DLS न्यूज पर। फिलहाल देखिए दोस्तों आप एक अगली खबर है, समिति ने की लड़कियों की शादी योग्य उम्र बढ़ाने की सिफारिश, जल्द ही इस पर कोई फैसला भी होगा। दरअसल लड़कियों की शादी योग्य उम्र का मूल्यांकन करने के लिए नियुक्त जो समिति है ना, उसने अपनी सिफारिशें प्रधानमंत्री कार्यालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेज दी है। और अब सूत्रों के मुताबिक समिति ने लड़कियों की शादी योग्य उम्र बढ़ाने की काफी मजबूती से सिफारिश भी की है। मतलब अभी शादी योग्य उम्र क्या है, न्यूनतम 18 साल है, उसको बढ़ाने पर विचार चल रहा। विभिन्न संगठन ये भी सुझाव दे रहे हैं कि मां बनने के लिए महिला का कम से कम 20 साल का होना जरूरी है। और ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन के भी एक अध्ययन के मुताबिक दुनिया भर में एक बड़ी संख्या में 15 से 19 साल की लड़कियों की मौत गर्भावस्था में होने वाली जटिल स्थितियों के कारण भी हो जाती है। इसलिए ये समिति सुझाव कर रही है सरकार से, और बाकी देखना ये होगा दोस्तों कि सरकार वाकई में क्या लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाती है 18 साल से या नहीं। वैसे इस पर आपकी क्या राय है कि बढ़ाना चाहिए या नहीं, क्योंकि इससे कई सारे सामाजिक इफेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो देखते हैं फाइनली गवर्नमेंट का क्या फैसला रहता है, इस पर मैं आपको अपडेट बताता रहूंगा। फिलहाल देखिए आप अगली खबर, मौसम समाचार को लेकर अपडेट है। उत्तर भारत में अगले 3 दिनों तक शीतलहर से राहत नहीं मिलने वाली है। राजधानी दिल्ली के लिए भी IMD का अलर्ट है, और अन्य राज्यों में क्या कुछ मौसम का हाल रहने वाला तो मैं आपको बता दूं, मौसम विभाग की चेतावनी आ रही है, कोहरा शीतलहर और बर्फबारी अभी भी देश में कुछ दिनों के लिए जारी रहने वाली है। उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और पिछले कई दिनों से दिल्ली UP हरियाणा और बिहार में घना कोहरा भी पड़ रहा है, और घने कोहरे से अभी आने वाले कुछ दिनों तक राहत भी नहीं मिलती दिख रही है। मौसम विभाग का तो ये भी कहना कि उत्तर भारत में 4 डिग्री सेल्सियस तक पारा गिर सकता है, और इससे और भी ज्यादा कोहरा बढ़ेगा और ठंड भी बढ़ेगी। संपूर्ण भारत का आज 20 जनवरी 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो दोस्तों अगले 24 से 48 घंटों के दौरान असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के उत्तरी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और उप हिमालय पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने की भी संभावना है। तो ये रहा आज का वेदर अलर्ट। और वहीं बात करें सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर, तो गोल्ड आज भी महंगा हुआ है, चांदी में 1000 रुपए की तेजी देखी गई है। सोने के भाव की बात करें तो सोने का भाव 198 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ा, और उसके बाद अभी सोने का रेट 48,480 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। वहीं बात करें दोस्तों चांदी की, तो चांदी की कीमतों में 1,008 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई, और अभी चांदी का रेट 65,340 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। ओके, अब नजर डालते हैं कोरोना वायरस से संबंधित कुछ खबरों में, है ना। तो आपको पता होगा टीकाकरण शुरू हो चुका हमारे देश में वैक्सीनेशन, और देश में अब तक 4.5 लाख लोगों को वैक्सीन दे भी दी गई है, जिसमें सिर्फ 0.18% लोगों को वैक्सीन का साइड इफेक्ट भी देखा गया, जो कि बिल्कुल नगण्य के बराबर माना सकते हैं हम, 0.18%, है ना। तो ये राहत की बात है कि साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं कर रही है वैक्सीन। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों मुश्किल घड़ी में भारत निभाएगा पड़ोसी धर्म, भूटान सहित कई देशों को कोरोना की वैक्सीन फ्री में देने जा रहा हमारा भारत। तो देखिए भारत की एक गौरवशीलता और दयाशीलता देखिए दोस्तों, कोरोना से जंग में भारत कई देशों के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आया, और एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत अपने पड़ोसी देशों में खासकर अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस, इन देशों को वैक्सीन की 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ खुराक दान भी कर सकता है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट चल रही है। आपको पता होगा जब कोरोना शुरुआत में आया था तब भी PPE किट वगैरह और जांच किट वगैरह काफी चीजें भारत ने दूसरे देशों को दी थी, राइट। यानी कि इंडिया ऐसा नहीं दोस्तों कि अकेले का भला चाहता है, इंडिया अपने पड़ोसी देशों का भी हमेशा भला करता आया, और ये हम सभी भारतीयों के लिए भी बड़े ही गौरव की बात है। अगर आप एक हिंदुस्तानी है, सच्चे हिंदुस्तानी होने के नाते दोस्तों एक लाइक तो बनता है यार, इस वीडियो पर अभी का भी एक लाइक ठोक दीजिए अपने दिल से, और अपन आगे बढ़ते हैं सीधा अगले अपडेट में। अच्छा, लाइक कर रहे हो ना, तो बस थोड़ा पास में एक सब्सक्राइब का बटन है, लाल कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उसको दबाकर बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आप DLS न्यूज फैमिली का एक हिस्सा बन जाओगे, जो कि वाकई में एक दमदार बात है। और साथ ही अगला अपडेट आप देख सकते हैं, कोवैक्सीन उत्पादक कंपनी ने चेतावनी भी दी है। कोवैक्सीन कंपनी का कहना दोस्तों कि बीमार लोग, गर्भवती महिलाएं और ज्यादा कम इम्यूनिटी वाले लोग टीका ना लगवाएं। हालांकि सरकार ने भी टीकाकरण से पहले चेतावनी दी थी कि गर्भवती माताएं बहनें टीका ना लगाएं, और अब ये कंपनी ने भी अलर्ट किया लोगों को। तो ध्यान रखें, जो दूध पिलाने वाली माताएं बहनें या गर्भवती हैं, वो कोरोना की वैक्सीन ना लगवाएं, ठीक है ना। और बाकी दोस्तों कोरोना के आज के ताजा आंकड़ों की बात करें, तो आज कुछ ज्यादा मामले देखे गए हैं। कल रात को 12 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक 13,600 के लगभग नए संक्रमित केस आए, और उसके बाद कुल संक्रमित केस की संख्या 1,05,96,000 पहुंच चुकी है, जिसमें से 1,94,000 एक्टिव केस है यानी कि सक्रिय चल रहे हैं, जिनके अभी इलाज चल रहा है, जबकि 1,02,00,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं दोस्तों इस वायरस के कारण भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,52,700 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। तो ये रहा आज का ताजा कोविड डेटा। और वहीं बात करें
बर्ड फ्लू को लेकर क्या कुछ अपडेट चल रहा है हमारे देश में। तो दोस्तों, दिल्ली के लाल किले में बर्ड फ्लू से कौओं की मौत हुई और 26 जनवरी तक दर्शकों के लिए ये अब बंद रहने वाला है। जी हाँ, लाल किले में मृत कौओं के बर्ड फ्लू से ग्रस्त होने की पुष्टि के बाद अब स्मारक भवन में लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। दिल्ली सरकार के पशुपालन विभाग के निदेशक राकेश सिंह ने बताया कि कुछ दिन पहले लाल किले में करीब 15 कौवे मृत मिले थे और उनको लेबोरेटरी में भेजा गया जांच करने के लिए कि कहीं उनमें बर्ड फ्लू तो नहीं, और उसके बाद अभी आम पब्लिक के लिए लाल किले में आना जाना भी बंद है। बाकी खबर मीडिया रिपोर्ट्स ये भी चल रही दोस्तों कि 14 राज्यों में बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि 12 तक तो ऑफिशियल अपडेट है, बाकी मीडिया रिपोर्ट 14 की चल रही है। 5 राज्यों ने पोल्ट्री बर्ड में भी संक्रमण की पुष्टि की है। ये दोस्तों बर्ड फ्लू जो है ये कौओं में, मुर्गियों में, बत्तखों में, उल्लू में, हंस में, कई जगहों पर देखा जा रहा, तो आप भी सावधान रहे आजकल। और प्लीज, जैसा कि मैंने आपको बताया, मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइजर वगैरह का यूज करते रहें, और जैसा कि कोरोना काल में आप सुरक्षित रखते थे ना अपने आप को, उस तरह से सभी प्रोटोकॉल्स को अभी भी फॉलो अप करते रहें, ठीक है ना, ताकि बर्ड फ्लू से भी आप सुरक्षित रह पाएं। और चलिए अब नजर डालते हैं अगली खबरों में, जहां किसान आंदोलन को लेकर कुछ अपडेट है। आपको पता होगा कल ही 19 तारीख को सरकार और किसानों के बीच में एक बार फिर से बैठक सुनवाई होनी थी, लेकिन उसको टाल दिया गया और अब ये सुनवाई बातचीत आज होने वाली है। सरकार और किसान नेताओं के बीच अब 20 जनवरी को बातचीत होगी बुधवार को। कृषि मंत्री ने कहा कि दशा और दिशा बदलेंगे नए कृषि कानून। और बाकी देखते हैं, किसान संगठन और सरकार के बीच आज 10वीं बार ये बैठक और बातचीत वार्तालाप होगी बुधवार को, तो इसमें क्या कुछ डिसीजन निर्णय निकल कर आता है, जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा जरूर। और बाकी दोस्तों, किसान आंदोलन के बीच अब अंडा भी आ चुका है। अंडा बोले तो पोल्ट्री कारोबारियों ने सरकार से ये मांग की है कि जिस तरह से कृषि के क्षेत्र में धान, चावल, गेहूं, मक्का वगैरह इनका MSP वगैरह होता ना, उसी तरह से अंडे का भी एक न्यूनतम मूल्य तय किया जाए, और स्कूलों में दिए जाने वाले मिड डे मील में भी अंडे को शामिल करने के लिए कारोबारी मांग उठा रहे हैं, क्योंकि देश में रोजाना करीब 25 करोड़ अंडों का उत्पादन होता है, लाखों लोग पोल्ट्री कारोबार से जुड़े हुए हैं, और बर्ड फ्लू और कोरोना जैसी महामारियों के बीच सबसे पहले और सबसे ज्यादा घाटा भी इसी कारोबार को होता है। लेकिन मुर्गियों के दाने की MSP बढ़ जाने से यह कारोबार बंदी के कगार पर आ गया, क्योंकि क्या होता क्या दोस्तों कि मुर्गियों को जो दाना मिलता है मक्का वगैरह का, उस पर तो MSP लागू है, उसकी तो रेटें बढ़ जाती है, लेकिन अंडे पर कौन सा प्राइस लिखा हुआ, अंडे पर कोई प्रिंटेड रेट तो आती नहीं है। इसीलिए अब जो इस इंडस्ट्री से जुड़े कारोबारी हैं, वो सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि अंडे की भी एक मिनिमम रेट तो तय की जाए, न्यूनतम मूल्य है ना। तो बाकी देखते हैं कि सरकार की तरफ से इस पर क्या फैसला था, मैं आपको बता दूंगा अपडेट। फिलहाल अपन नजर डालते हैं अगली खबरों में, जहां देखिए, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था ना कि सरकार की तरफ से एक कॉन्टेस्ट निकाला हुआ है। अगर आपको भी वीडियो बनाने का शौक है तो आप इस मुद्दे पर वीडियो बनाएं और सरकार आपको 1,00,000 रुपए का इनाम देगी। सरकार वीडियो बनाने के बदले आपको 1,00,000 रुपए जीतने का मौका दे रही है, आखिर कैसे? तो आइए मैं आपको फटाफट से बता देता हूं कि आखिर क्या कुछ पूरी प्रोसेस है इसकी। तो दरअसल सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जो है ना, उसके द्वारा एक कॉन्टेस्ट या प्रतियोगिता निकाली है शॉर्ट फिल्म को लेकर। आपको प्रसारण मंत्रालय को इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लोगों को शॉर्ट फिल्म बना करके भेजनी है, और इसके बाद जो top 3 सिलेक्ट किए जाएंगे उनका सिलेक्शन किया जाएगा, और top 3 प्रतियोगिताओं को 1,00,000 रुपए का कैश प्राइज भी दिया जाएगा। अब फिल्म का टॉपिक क्या होगा, वीडियो किस टॉपिक पर आपको बनाना है, तो अभी जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होगा, साल 2021 का गणतंत्र दिवस होगा, इस खास मौके पर सरकार ने ये कॉन्टेस्ट निकाला है। किस मुद्दे पर आपको फिल्म बनानी है, तो इस प्रतियोगिता में एक फिल्म बनानी है, और इस फिल्म की वीडियो के लिए एक थीम रखी गई है जो कि 26 जनवरी के आधार के संदर्भ में बनाई जा रही है। इस वीडियो की थीम का नाम है इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया विथ ए कैन डू विल डू एटीट्यूड। इस टॉपिक पर आपको वीडियो बनाना, कुल मिलाकर के, समझ रहे हो ना। सरकार ने आपको ये मौका दिया, आप इस वीडियो को बनाकर यूट्यूब पर भी अपलोड कर सकते हैं। इस वीडियो की रिगार्डिंग स्क्रिप्ट, फोटो, PDF फॉर्मेट भी आप सरकार को भेज सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इसकी लास्ट डेट आज ही है, बस 20 जनवरी 2021 तब आप इसको सबमिट कर सकते हैं, और भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल पर आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी, ज्यादा इन्फॉर्मेशन चेक कर लीजिएगा। ओके, साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, भारतीय वायुसेना रचेगी इतिहास, पहली बार महिला फाइटर पायलट बनेगी परेड का हिस्सा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रिपब्लिक डे में आपको इस बार फाइटर जेट विमानों की परेड देखने को मिलेगी, लेकिन सबसे पहली बार परेड में कोई महिला यात्री जो विमान को उड़ाएगी, दैट्स ग्रेट एंड अमेजिंग फॉर आवर इंडिया। और अगली खबर देखिए दोस्तों, कल ही आपको बताऊंगा बड़ी ही दुखद भरी घटना हमारे देश में हुई, गुजरात सूरत में एक हादसा हुआ जिसमें 22 लोगों को एक ट्रक जो है कुचल कर निकल गया, जिसमें तकरीबन 15 लोगों की जान जाने की खबर थी। तो उन लोगों के परिवारों को, हर सदस्य को केंद्र सरकार 2,00,000 रुपए का मुआवजा देगी, और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देगी। कल ही PMO इंडिया की तरफ से ट्वीट करके बात की जानकारी दी गई है। और चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों, अमेजोन कंपनी की तरफ से जो रिपब्लिक डे सेल निकली हुई है ना, उसमें भी आप ऑफर जीत सकते हैं, 1,000 रुपए के इनाम जीत सकते हैं। वो कैसे, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, अमेजोन की तरफ से जो ग्रेट रिपब्लिक डे सेल निकाली हुई है ना, इसमें आप कई सारा ऑफर्स और डिस्काउंट वगैरह भी पा सकते हैं। ये सेल 20 से लेकर 23 जनवरी तक चलेगी, 20, 21, 22, 23 तक, ठीक है ना। अच्छा, इसमें आप ऑफर कैसे जीत सकते हैं, तो ट्विटर का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पेज है, अरे यार ट्विटर का क्या मतलब, अमेजोन का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पेज है ना, उसको आपको फॉलो करना, और उसके बाद जो कोई भी आप प्रोडक्ट आप पसंद है आप
खरीदने की प्लानिंग बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट को अलग अलग डीलर्स के ओर से जो डील दी जा रही है उससे कंपैरिजन करके आपको ट्वीट करना उस प्रोडक्ट को #AmazonGreatRepublicDaySale के तहत। और इस ऑफर के तहत 5 लकी विजेताओं को सेलेक्ट किया जाएगा जिनको 1000 रुपए कीमत का गिफ्ट वाउचर मिलेगा, है ना। तो आप भी चाहें तो इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। और अगली खबर देखिए, ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री ने के नियामक बनाने की मांग, कहा कि इस सेक्टर में निवेश आकर्षित करने की व्यापक क्षमता है। दरअसल ऑनलाइन गेमिंग उद्योग ने सरकार से एक स्व नियामक इकाई गठित करने की मांग की है। उद्योग जगत का यह कहना दोस्तों कि फैंटेसी स्पोर्ट्स ही नहीं बल्कि संपूर्ण ऑनलाइन स्किल गेमिंग सेक्टर के लिए भी मानक नियमन की जरूरत है। जिस तरह से मतलब कि अभी जो ऑफलाइन मैचेज होते हैं ना, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी, तैराकी वगैरह वगैरह, तो उस तरह से मतलब ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का भी एक नियामक बनाया जाए, बोर्ड बनाया जाए, समिति गठन की जाए और इसको भी एक पूरी तरह से तवज्जो दिया जाए, मतलब कि है ना। तो देखते हैं सरकार इस पर क्या सोच विचार करके निर्णय लेती है, मैं आपको बताऊंगा अपडेट। और अगली खबर देखिए, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट की तरह अब पड़ोसी देशों में भी बसें चल सकेगी। जी हां, सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया जो तत्काल प्रभाव से लागू भी हो चुका है। अब वाहन चलाने से पूर्व दोनों देशों को केवल एक MOU साइन करना होगा और बाकी अब दोनों देश जो है एक दूसरे में अपनी बसें भी चला पाएंगे, इस तरह का सरकार ने फैसला लिया है, ठीक है ना। और अगली खबर देखिए दोस्तों, 21 जनवरी को आएगा साल का तीसरा बड़ा IPO जिसमें आप पैसा लगा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट वगैरह की प्लानिंग अगर आप ले रहे हैं तो होम फर्स्ट फाइनेंस का IPO आने वाला है 21 तारीख को, आप भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ओके। अगली खबर देखिए, उत्तराखंड राज्य में मनरेगा के तहत अब ज्यादा मिलेगा काम, अब दिनों की संख्या बढ़कर 150 होगी। मुख्यमंत्री की तरफ से ये घोषणा की गई है। उत्तराखंड राज्य के जो CM है त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने ऐलान किया दोस्तों कि जल्द ही मनरेगा के कार्य दिन की अवधि जो अभी 100 दिन है उसको बढ़ा करके 150 दिन कर दी जाएगी, है ना। तो ये उत्तराखंड सरकार का एक अच्छा फैसला भी कह सकते हैं, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, बढ़ेगा ज्यादा लोगों का रोजगार। और बाकी कुछ एजुकेशन शिक्षा से संबंधित कुछ और अपडेट मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। एक तो CA के जो जनवरी के एग्जाम होने वाले हैं ना, उसको लेकर ICAI ने एक शहर का परीक्षा केंद्र बदल दिया। अब स्टूडेंट्स इसकी ऑफिशियल जानकारी चेक कर लें, इसको लेकर ICAI ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी किया, तो जानकारी देख लीजिएगा आप इस स्क्रीन पर। और बाकी दोस्तों CBSE एग्जाम को लेकर अपडेट है, इस बार जो एजुकेशन ईयर 2021-22 है ना, उसमें 2 स्तरीय अंग्रेजी और संस्कृत परीक्षा शुरू करने की प्लानिंग है CBSE की, तो आप ऑफिशियल पोर्टल को चेक करते रहिएगा। बाकी SBI PO मेंस के एडमिशन कार्ड भी जारी हो चुके हैं, आप ऑफिशियल पोर्टल SBI.CO.IN पर जाकर के एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां आपको एग्जाम डेट्स वगैरह भी देखने मिल जाएंगी। और बाकी UP विधानसभा रिक्रूटमेंट एग्जाम को लेकर अपडेट है, असिस्टेंट रिव्यू और स्क्रूटनी ऑफिसर सहित अन्य पदों के लिए परीक्षा के लिए भी एडमिशन कार्ड जारी हो चुके हैं, इसको भी आप ऑफिशियल पोर्टल के जरिए डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं, ओके। और आइए अब नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, जहां अपडेट देखिए दोस्तों। एक तो मध्य प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सरकार डबल भत्ते का तोहफा देने जा रही, इससे सैलरी में भी बढ़ोतरी होगी। ऐसा माना जा रहा दोस्तों कि इस बार के जो स्टेट गवर्नमेंट का बजट होगा MP का, उसमें राज्य कर्मचारियों को 2 इंक्रीमेंट देने की तैयारी कर सकती है सरकार। तो देखते हैं बजट अनाउंसमेंट होने के बाद क्या अपडेट रहता है, मैं आपको बता दूंगा। और खबर देखिए इंडियन रेलवे को लेकर अच्छी पहल है, देश में पहली बार नई टेक्नोलॉजी वाली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन भी चलने जा रही है। इसकी टाइमिंग, रूट और स्टॉपेज वगैरह क्या रहेगा, तो इसकी जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही खबर है दोस्तों की, राजस्थान राज्य में 30 जनवरी से शुरू होगी आयुष्मान भारत योजना, हालांकि इसका नाम बदलेगा। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के दिन 30 जनवरी से इस योजना को प्रदेश में लागू करने का फैसला किया है। राजस्थान में ये योजना आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से लागू होगी और इससे तकरीबन राज्य के 1,10,00,000 से भी ज्यादा परिवारों को फायदा मिलेगा। आयुष्मान भारत योजना ही होगी ये, लेकिन इसका नाम थोड़ा बदला हुआ होगा, है ना। इसके अलावा 23 जनवरी को केंद्रीय बलों के लिए भी आयुष्मान योजना की शुरुआत कर देंगे अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से इसकी शुरुआत की जाने की प्लानिंग है। और अगली खबर देखिए, मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार का और एक बड़ा फैसला है, कृषि मंडियों में खुलेंगे अस्पताल और इससे किसानों का मुफ्त होगा इलाज। जी हां, किसान आंदोलन के बीच दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार या राज्य सरकार जो भी है उसके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से किसानों को एक और बड़ी सौगात देने का प्लान बनाया गया। इसके तहत मंडियों में शिवराज सरकार जल्दी किसानों का क्लिनिक खोलेगी, फार्मर क्लिनिक के नाम से किसानों का क्लिनिक होगा और किसान क्लिनिक से अनाज बेचने वाले किसानों को फायदा तो मिलेगा ही, उन्हें फायदा यह मिलेगा कि उन्हें MP सरकार जो है वो फ्री में इलाज देगी, मुफ्त में दवाइयां वगैरह भी देगी। तो ये वाकई में अच्छी पहल है MP गवर्नमेंट की। और अगली खबर देखिए दोस्तों, बैंक में रजिस्टर मोबाइल नंबर नहीं इस्तेमाल करते तो तुरंत बदल लें वरना आपका अकाउंट भी खाली हो सकता है। बात कुछ यूं है कि अगर आपका जो मोबाइल नंबर बैंक में रजिस्टर्ड है और उसको आप बंद करके रख देते हो, ठीक है ना, मान लीजिए उस सिम को आप मोबाइल में लगाते नहीं हो, बाहर पड़ी है वो सिम, तो आपको पता होगा जब सिम डीएक्टिवेट रहती है तब 3-4 महीनों में बंद हो जाती है, आपका कनेक्शन क्लोज हो जाता है, राइट। और एक सीमित टाइम पीरियड अवधि के बाद आपका सिम का जो नंबर है वो भी खाली हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है और वो कंपनी आपके नंबर को किसी भी दूसरे ग्राहक को भी अलॉट कर सकती है, ये बात तो आपको भी पता होगी, राइट। कहने का मतलब सिंपली है कि जिस सिम को आप यूज में नहीं ले रहे हो ना, काम में नहीं ले रहे हो ना, उस सिम के नंबर को कोई दूसरा ले सकता है और अगर वो सिम आपके बैंक खाते से रजिस्टर्ड है तो जाहिर सी बात आप जो भी बैंक में
ट्रांजेक्शन वगैरह करोगे तो ओटीपी किसी दूसरे आदमी के पास जाएगा, सिंपल, समझ रहे हो ना। तो अगर ओटीपी आपका बैंक का दूसरे व्यक्ति के पास जाता है तो जाहिर सी बात आपका बैंक खाता रिस्क पर होगा। और ठग लोग कई सारे जो है वो इस तरह से भी बैंक खातों को खाली करने की प्लानिंग करते हैं। तो कहने का मतलब सिंपल ये कि जो कोई भी आपकी बैंक में सिम है ना उसको आप एक्टिवेट रखें, हमेशा चालू रखें, ओके। और अगली खबर देखिए दोस्तों, पीएम आवास योजना के तहत उत्तर प्रदेश के लोगों को 6 लाख से भी ज्यादा लोगों को 2691 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की भी सरकार ने प्लानिंग बनाई है। इसके लिए स्पेशली पीएम मोदी बुधवार को यानी आज ही फंड रिलीज करेंगे, तो ये भी यूपी के लोगों के लिए राहत की बात है। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, खेल समाचार को लेकर अपडेट है। कल ही आपको बताया होगा क्रिकेट मैच में टीम इंडिया की अच्छी जीत देखी गई। जी हां, भारत ने इतिहास रच दिया। ऑस्ट्रेलिया में लगातार 2 टेस्ट सीरीज जीतने वाली भारत पहली एशियाई टीम बन चुकी है और पाकिस्तान लगातार 9 सीरीज आ चुका पाकिस्तान है ना, और भारत दोस्तों लगातार 2 टेस्ट सीरीज जीतने वाला पहला एशियाई कंट्री बन चुका है। और इस मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारतीय क्रिकेटरों को बधाई भी दी है और उस दौरान स्टेडियम में भारत माता की जय के नारे भी लगे। ये हम सभी भारतीयों के लिए बड़े ही गौरव की बात है दोस्तों कि इंटरनेशनल लेवल पर भारत का नाम रोशन हो रहा है, खेल के जगत में भी अच्छी बात है। और उसके बाद देखिए इंग्लैंड सीरीज के लिए भी टेस्ट टीम का ऐलान हो चुका है। गाबा में जीतने वाली टीम के 9 प्लेयर्स चुने गए। 29 महीने बाद हार्दिक की वापसी भी हुई है। भारत की 5 ऐतिहासिक जीत रही है। कब टीम इंडिया ने 19 साल पहले कोलकाता में फॉलो ऑन के बाद ऑस्ट्रेलिया को हराया था, अब उसके घर में लगातार दूसरी जीत भारत की रही है। इसके कुछ स्कोर कार्ड्स वगैरह भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुल मिलाकर के जो कुछ भी कहो दोस्तों, भारत ने कल तो वाकई में रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगर आप भी इंडियन क्रिकेटर्स के फैंस हैं तो इस वीडियो पर एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। मेरी तरह अगर आप भी क्रिकेट के शौकीन है तो एक लाइक तो बनता है यार, फटाफट से लाइक ठोक दीजिए। और अगली खबर हम बात करें आप तो देख पा रहे होंगे, दिल्ली से बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक जाना अब आसान होगा क्योंकि रेलवे कुछ स्पेशल ट्रेनें भी चलाने की प्लानिंग कर रहा है। अब कौन कौन सी ट्रेनें क्या क्या रूट पर चलेगी तो इसको लेकर एक एक की डिटेल तो मैं आपको बोल नहीं सकता, जानकारी आप स्क्रीन पर ही देख लीजिएगा। और बाकी अगली खबर देखिए दोस्तों, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, अमेजोन, भीम ऐप, व्हाट्सएप, यूपीआई वगैरह, इन सभी में सबसे नंबर 1 पर गूगल पे को पछाड़ कर फोन पे पहुंच चुका है। फिर दूसरे नंबर पर जी पे आता है, तीसरे नंबर पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, फिर अमेजोन, फिर भीम यूपीआई और फिर व्हाट्सएप है। मतलब कि इस क्रम में इन एप्स से ट्रांजेक्शन होता है। एनपीसीआई के द्वारा ये जो दिसंबर के आंकड़े हैं इसके द्वारा ये रैंक तय की गई है। ओके, इसके साथ ही दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, हेडलाइंस, न्यूज़ का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि कल दोस्तों भारत की ऐतिहासिक जीत में आपको सबसे पसंदीदा क्रिकेटर खिलाड़ी कौन लगा, कमेंट में बताइएगा जरूर। और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।